नकवी, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स में। आज हमारे साथ एक स्पेशल शख्सियत जिनको हमने दावत दी है हमारे स्टूडियोज़ में, जनाब डॉक्टर कंबर जाफरी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। और आई थिंक वी गोना लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू टुडे। यू हैव बीन माशाल्लाह वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड आल्सो इन आई वुड से लाइक सोशली इन ह्यूस्टन एज वेल। एंड आल्सो वी वेलकम मोहम्मद अली जाफरी साहब, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपका आज भी तशरीफ लाने का। और आज मैं दो जाफरियों के दरमियान में एक नकवी यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट्स व्हाट हैपेंस। स्पेलिंग सही है जी, दोनों जाफरी की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू टॉक टू डॉक्टर साहब पहले, और इनसे जैसे हमारी हमेशा से एक रीत रही है कि जब भी कोई पहला मेहमान पहली दफ़ा हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाता है तो हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में पहले बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन इब्तदाई तलीम और आला तलीम। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब पहले सबसे हम उनको वेलकम करने के बाद उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी इब्तदाई तलीम से शुरू करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में और या हिंदुस्तान में मज़मून लिखते थे तो लाइक वो पैदा हुए यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर गए, और देन लाइक मूव ऑन फ्रॉम देयर। सो थोड़ा सा ब्रीफली लाइक यू नो जिस तरह से बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरली सदरी। पहले तो आप दोनों का मैं बहुत यू नो खुश थैंक करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ आने की साथ दिए। इट्स वन ऑफ दोज शोज दैट आई रियली एंजॉय, सो इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी टू बी हियर। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। सही। और आई एम द सिक्स्थ यंगेस्ट इन द फैमिली, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मजाक वजाक भी कर लेते हैं। अच्छा ही। तो एंड वंस आई फिनिश स्कूलिंग एंड स्टफ, मेडिकल स्कूल उस्मानी यूनिवर्सिटी से किए 1981 में, पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ज़्यारतों से होके आई केम हियर 1982। तो साल गुजर जाते हैं। आई डिड फर्स्ट ट्रेनिंग सनी बफलो जो न्यूयॉर्क में है जी, वहाँ से फिर डिट्रॉइट गए वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ आला और तालीम हासिल किए, एंड देन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में फेलोशिप किए जी 1989 जी। एंड देन वहाँ आई वाज देयर इन फैकल्टी वहाँ पे हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम है उनका, वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ सिस्टम इन द मिडवेस्ट। सही। और वहाँ आई डिड अबाउट यू नो 10 इयर्स। तो 1999 में अल्हम्दुलिल्लाह आई केम हियर। तो हमारा जो यंगेस्ट है मोहम्मद, ही इज़ अ बॉर्न टेक्सन। ओह माशाल्लाह। तो आई डिड फैकल्टी में था मैं यूटीएमबी में गैल्वेस्टन। उसके बाद फिर वी वेंचर्ड आउट इनटू सिंगल स्पेशलिटी ग्रुप प्रैक्टिस जो हमारी क्ले लेक एरिया में, बेरिया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो बेरिया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से ताल्लुक मेरा 2004 से है। सही। हर दो साल हमको रीसर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जी। तो बीन अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड सर्टिफाइड 3 times इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। आई ऑल्सो टीच मेडिकल स्टूडेंट्स एंड PA स्टूडेंट्स, तो हम भी अभी भी उस ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब का नतीजा मेरे वालिदैन के लिए है। मरहूम वालिद जो हुसैनिया भी इस्टेब्लिश किए हैं, अभी तक चलता है हैदराबाद में, वो वफ़ कर दिए थे अपना घर। और हमारी वालिदा ऑल्दो शी इज़ अबव 92 अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ स्टिल रनिंग इट माशाल्लाह। और हम 6 बच्चे और हमारे इन ऑल दैट बाय रोटेशन हम जाते हैं फॉर द लास्ट 30 years एवरी मंथ राइट, कोई ना कोई रहता है माशाल्लाह, क्योंकि हुसैनिया चलाना है वहाँ पे माशाल्लाह। तो और इट्स वेरी एक्टिव, इट वाज इन अ पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद जब उतनी कम्युनिटी नहीं थी, अब माशाल्लाह 4 days अ वीक वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की तरफ से थोड़ी दीनी रुझान भी है यू नो, और कौम की खिदमत भी
करने का कुछ मौका मिला है, तो इसके लिए वालिदैन का बहुत असर होता है. माशाल्लाह, यू नो, ग्रेटफुल फॉर दैट. अहले बैत की मोहब्बत के अलावा अगर जो माँ दिल में डालती है तो दिल से नारे हैदरी निकलता है. गुट्टी में अगर माँ ने नादी अली और मौला अली मुश्किल कुशा डाला होगा तो वो सारी जिंदगी वो कायम रहता है. And of course, I need to thank my wife. Yeah, बेशक बेशक. जैसे बेशक. आप जैसा भाभी चलाते हैं. जी. You know, it's so important to have a spouse who also believes in the same ideology. And you know, बच्चों के लिए भी वो फर्क पड़ जाता है. दसब आप माशाल्लाह 35 years. जी अल्हम्दुलिल्लाह. In United States में आपको हो चुके हैं. तो फिर यहीं आइए. बिल्कुल. और मैंने एक चीज़ जो मैंने आप मैं आई थिंक पिछले आई वुड से 20 साल तो आपको मेरे ह्यूस्टन में भी हो गए. जी तकरीबन. तो तब से ही मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे और लाइक यू नो माशाल्लाह जितने आप एक्टिव हैं. और आई हैव सीन वेरी फ्यू डॉक्टर्स के जो डॉक्टर होने के साथ साथ कम्युनिटी सोशल वर्क के अंदर भी इतने ही एक्टिव हों. आई मीन हाउ डिड यू लाइक यू नो कम अप विद द टाइम कि आप यानी अपने जॉब हॉस्पिटल क्लिनिक सारा कुछ मैनेज करने के बाद फिर लाइक यू नो आप बाकी चीज़ों के अंदर भी टाइम निकाल पाते हैं. एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट तो मुश्किल हो जाता है यू नो स्पेशली हमारे फील्ड में. मगर अगेन आई गो बैक टू द सपोर्ट ऑफ द फैमिली. अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाते हैं. और उसके अलावा हमको चाहिए कि अगर दूसरों के हालात यू नो जैसा रसूल खुदा का हदीस भी है अगर आप दूसरे मुसलमान के हालात को अगर आप दर्द नहीं है उसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है. पैसा तो हर कोई बना लेता है. सही. या खिदमत करना है भी तो अपने अपनी लाइन में. यूँ कहिए कि अगर पूरे दिन में आपने किसी के लिए सोचा नहीं या किसी की मदद नहीं की है. बिल्कुल. तो वो कहते हैं कि पूरा दिन आपका जो है वो फजूल कामों में या उस दिन आपका कोई आपने कोई काम नहीं किया. जी. आपके जहन में अगर किसी की मुश्किल हल करने की या किसी की मदद नहीं की पूरे दिन के अंदर तो वो दिन ऐसा होता है जैसे आपने कोई काम अंजाम नहीं. सही. और जैसे वालिदैन हमारे शुरू से हमारे को एक मैसेज दिए थे कि हमको और सही बोले तो आप रेवोल्यूशन के बाद जो एक इनर रेवोल्यूशन आया है हर एक के साथ वो आई थिंक मुश्किल है निकलना. सही. जिसके वजह से आई थिंक पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया. एक रेवोल्यूशन आ गया हर कौम में आ गया. और जिसका हम जितना शुक्र अदा करें. बिल्कुल बिल्कुल. और कमर भाई मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ. हमारे लिए खुश नसीबी है कि हमारे ज़िंदगी में ये इनकलाब आया. बिल्कुल. मतलब ये कि हम उस ज़माने में मौजूद थे 1979 में जब आयतुल्लाह खमेनी साहब तशरीफ़ लाए और इनकलाब आया और हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम उस वक्त इस काबिल थे शऊर रखते थे कि उसको समझा और आगे हमको मालूम है कि इस इनकलाब के पीछे उसके दुश्मन कौन है जी और उसके दोस्त कौन है. बिल्कुल. तो इसको बड़े संभाल के रखना है. सही. अगर ये मैसेज सही बस खत्म बस किस्मत ही है किसी को निकला है. नहीं समझे. हाँ. तो इसको संभाल के रखना हमारी भी जिम्मेदारी है. बिल्कुल. ये इनकलाब एक इस्लामी इनकलाब है जिसको आयतुल्लाह खमेनी साहब ने फरमाया था कि ये एक इस्लामी इनकलाब है ये किसी मुल्क का इनकलाब नहीं है. सही. देखिए ना इस इनकलाब से कितने दूरस नतज जो हैं वो हासिल किए गए हैं और आज दुनिया की जो जोग्राफियाई कह लें या पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है उसमें इस इनकलाब का बहुत बड़ा हाथ है. अब दुश्मन को ये बात समझा कि ये इस इनकलाब को किसी तरह से रोका जाए तो वो इसके पीछे पड़ हैं कि किसी तरह से इस इनकलाब को नाउज़ुबिल्लाह आदम के ज़माने से कोशिश है जी. तो वही कोशिश कर रहे हैं. तो कहने का मकसद 11 इमाम हमारे शहीद हो गए. शहीद कर दिया गया जी. मगर इसके अंदर एक चीज़ आप नोट करेंगे दोनों जाफरी ब्रदर्स के थिंग्स हैव बीन चेंज नाउ लाइक जो झूठ बोलने वाला उसका झूठ सामने खुल के नज़र आ रहा है. पीपल कैन सी इट इजीली कि दिस डज नॉट मेक सेंस कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों यूएन के अंदर जो चीज़ें हुई सारी दुनिया ने देखी लाइक यू नो एक तरफ इतने ममालिक हैं और एक तरफ कितने ममालिक हैं. एवरीबॉडी हैव सीन दैट वेरी क्लियरली. सो उसके अंदर लाइक यू नो अब
यहाँ के लोग भी या दुनिया के कहीं के लोग भी दे कैन लाइक यू नो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हु इज राइट, कि हक पे कौन है और ना हक कौन कर रहे हैं. और जब बंदा ना हक कर रहा होता है तो वो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती ना, ऑप्शन नहीं रहती है, लाइक दे जस्ट हैव टू गो एंड लाइक यू नो जस्ट कीप ट्राइंग कि जो भी किसी तरह से भी कुछ उनको हासिल हो जाए. और लाइक वो चाहे वो अपने एहसानात गिनाने शुरू कर दें, चाहे वो कुछ भी करना शुरू कर दें, मगर दे आर नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम इट. और अगर कोई उनको मिले हैं तो ऐसे ममालिक के नाम जो आपको भी सुने भी सुने डाकोवा मार्शल आइलैंड जी ठागो खोटे सिक्के बेसिकली सिक्के के 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन. अगर आप पूरा उसका जमा कर लें, होंडुरस और निकारागुआ जमा कर लें जी इनका और उनका, तो आई थिंक दुनिया साथ है. सही. और दूसरी बात यह है कि हुकूमतें साथ ना हो तो भी दुनिया साथ. दूसरी बात यह है कि आजकल मीडिया इतना एक्टिव है दुनिया भर में कि कोई चीज़ छुपी रह नहीं सकती. एनालिस्ट जो हैं वो एनालिस्ट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं सिचुएशन को कि इसके पीछे क्या मकासद हैं. तो उसकी भी एक अच्छी वजह है कि जिसकी वजह से लोगों में शऊर भी बढ़ा है सही पूरी दुनिया में. तो इसकी वजह से जो गलत नज़रियात कह लें, जो फॉल्स इमेज पेश किया जा रहा है, वो उसकी भी नफी हो रही है. और आज मगर इतने बेखूफ भी हैं बाज़ख़त कि वो जो किस्म से यूज़ करते हैं, मतलब ये कि आपके ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन होते हैं फिलिप रॉथ, और वो पोस्ट करते हैं ट्विटर पे यू नो अकाउंट दैट इज़ प्रो प्रो रेवोल्यूशन, मगर कहते हैं कि वो गलत है. तो इस किस्म से रियल न्यूज़ को तो छुपा देते हैं और जो फेक न्यूज़ है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं. सही. वेल इन दैट वे दिस काइंड ऑफ शो इज इंपॉर्टेंट. जी बिल्कुल. और हमारा मकसद ही है लाइक हमारा करंट अफेयर्स और वी डिस्कस लाइक यू नो एनीवेयर फ्रॉम हियर टू ऑल द वे टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, बहरीन, इराक, आई मीन एनीवेयर लाइक यू नो व्हेयरएवर लाइक थिंग्स आर हैपनिंग. And we try to bring those things, especially जो कि discuss नहीं की जाती हैं, जो कि दूसरे media के ऊपर discuss नहीं की जाती है, यहाँ के especially लोगों को उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता. दूसरे of course कि दूसरे countries के media बताते हैं, मगर यहाँ का media of course उसको नहीं बताता, या दूसरे मुल्कों का media, क्योंकि उनका interest नहीं है. So they only talk about the things you know जो भी उनके interest में होंगी या जो भी यहाँ के लोगों के interest में होंगी या whatever. But we like to स्प्रेड द मैसेज कि भी हम यहाँ के जो हमारे व्यूअरशिप है स्पेशली उर्दू स्पीकिंग और पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, या हमारे अहले तशी जो बहन भाई हैं, उन तक जो भी मैसेज, जो सही मैसेज है, हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं. आई मीन वो मैसेज ऑलरेडी हो सकता है मीडिया में हो भी, मगर उन्होंने ना सुना हो, मगर वो हमारे थ्रू थोड़ा सा, अगर एक मेरा तो और जाफी साहब का मानना ये है कि एक फर्द तक, हाँ एक फर्द तक भी अगर हमने सही बात पहुंचा दी तो हम उसको कन्वर्ट बात किया उनसे जी पूछे तो कि एक एक शख्स तक भी हमारा मैसेज पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी. अगर वो शख्स जो आगे और दूसरे को और तीसरे को ये मैसेज आगे बढ़े सही. और माशाल्लाह लोग लोगों में तब्दीली आ चुकी है जी. लोग समझते हैं कि अगर कोई शख्स या कोई आदमी कोई अमल कर रहा है तो उसके पीछे उसकी क्या नीयत समझ लें या उसकी क्या इंटेंशन है. और हमारी एक जिम्मेदारी भी है एज अमेरिकन. बिल्कुल. क्योंकि बेशक. और एक एक चीज़ जो मैं आपसे ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा कि बट आई विल कम टू दैट लेटर, बट लेट्स टॉक अबाउट यू फर्स्ट कि हमने आपके बैकग्राउंड के बारे में जाना, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, और माशाल्लाह वी आर लाइक यू वेल सेटल्ड ओवर हियर. एंड उसके साथ साथ एक और नई चीज़ जो माशाल्लाह आप यू हैव स्टार्टेड जस्ट यस्टरडे, एक टॉक शो यू हैव स्टार्टेड ऑन द लोकल रेडियो एंड आई गॉट चांस टू लिसन टू इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड माशाल्लाह इट वाज ग्रेट शो एंड यू हैड टू गेस्ट विद यू and the way you were doing the show aisa lag raha tha ki aap kai hafton se kar rahe hain ya kai mahino se kar rahe hain basically because that was but I just found out today while you were talking to Jafri sir before the show ki aapka ye pehla show tha mashallah magar you were doing great job aur I think it was well needed and community should take advantage from that. aur isi tarah jaise aapne uske andar medical city medical center ke bare mein baat kar rahe the, we have done a show over here with the Dr. Nasir before he started. so we do still like promote that because that's a very good thing. community local community Houston
they should take advantage from that. Or right. other communities, like from anywhere from like in North America, they should come towards this. Agar hamare paas agar doctors hain, hamare paas yani ke professionals hain jo ki help kar sakte hain apni community ko, they should come forward and like, you know, they should try to open these kind of facilities jisse jo logon ke paas insurance nahi hai khaas taur pe wo log usse fayda hasil kar sake. Abhi ye city medical center jo Houston mein khula hai kuch le, I think kuch mahino se, balki saal bhar zyada ho gaya shayad, डेढ़ साल हो गए. एंड आई वॉज देयर एक्चुअली द ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर. तो माशाल्लाह आई मीन दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. आई मीन एवरी सैटरडे एंड संडे दैट क्लिनिक इज ओपन एंड उसमें आप जाएँ लाइक बड़े ही मिनिमम चार्जेस जो कि ऑलमोस्ट को पे होती है आपकी उतने वैसे आप देते हैं. पूरा चेकअप आपका होता है और जो लैब वर्क है वो भी बिल्कुल जो रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, यानी कि आप ऐसे समझे कि आप इंश्योरेंस के साथ वहाँ पर जा रहे हैं और कई दफ़ा उससे भी सस्ता. बल्कि आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि इंश्योरेंस के साथ जैसे MRI वगैरह आपको यू हैव टू पे समटाइम मोर एंड वहाँ पे जहाँ पे वो रेफर करते हैं इट्स इवन चीपर देन दैट. सो आई मीन वी शुड टेक एडवांटेज फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज. और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज ओपन होनी चाहिए बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स एवरीवेयर एनी सिटी वी गो माशाल्लाह. वी हैव 18 साल पहले आया था तो शुरू में ICK उसमें जब बोर्ड में आए थे तो इमाम सज्जाद क्लिनिक के नाम पे बिल्कुल शुरू करे थे. तो तकरीबन अब 18-20 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल मुर्तजा जी जी स्टार्टेड सैटरडे क्लिनिक जी. तो इस किस्म के सिटी के अलावा भी हमको चाहिए कि हमारे जो मस्जिद हैं हमारे जो सेंटर्स हैं ये सिर्फ जश्न या मजलिस के हद तक ना रहें जी सोशल वर्क भी, मगर इसका मकसद यही जो मस्जिद नबवी में था बेशक हर जगह था कि इतने किस्म से यू नो फाउंडेशन सोशल वर्क भी सोशल वर्क होना जरूरी है उसमें. जी हाँ, लोगों की मदद होनी चाहिए जैसा आप यू नो गरीबों को देते हैं संडे को मेहंदी ग्रुप वगैरह बिल्कुल जाके, तो उस किस्म से प्रिजन वर्क करते हैं. सही, तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट. दैट्स हाउ यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी. सही बात. सही. तो लगे उसके दिस के ये जो अपने जो कोड ब्लू जी के अनुमान से जो आपने शो शुरू किया है उसका नाम क्यों रखे को? उसका नाम क्यों रखे और आपकी इसके पीछे लाइक यू नो व्हाट वाज द लाइक यू नो योर रीजनिंग बिहाइंड टू स्टार्ट दिस शो. वन मेन रीजन इज के दैट्स अनदर रीजन. वन वाज दैट आई पुट द नेम कोड ब्लू एज अ कैची वर्ड सो दैट पीपल कैन रिमेंबर इट. मगर मोर देन दैट देर इज़ अ फिलासफी बिहाइंड इट. उसमें यह है कि एक तो कोड ब्लू जब एक दवाखाने में होता है या अनफॉर्चुनेटली बाज़त बाहर भी हो जा सकता है तो इट मीन्स के इमीडिएट रिससिटेशन की जरूरत है कि वो इंसान के पास अगर मदद नहीं पहुँची तो वो अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे. तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ एन इमरजेंसी फ्रॉम एन इंडिविजुअल लेवल टू अ सोसाइटी लेवल अ कम्युनिटी लेवल. तो अगर आप साउथ एशियन बिकॉज दैट रेडियो स्टेशन गेयर्स टू द साउथ एशियन कम्युनिटी. तो अगर आप साउथ एशियन कम्युनिटी की हेल्थ केयर ले लें फिलहाल इन अ वे इट इज़ एट अ कोड ब्लू स्टेट. ओके, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है प्रिवेंशन के ऊपर. डॉक्टर्स जितने भी ज़्यादा हैं वी आर ऑल फोकस्ड ऑन ट्रीटमेंट. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन हेल्थ. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन वेलनेस. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन प्रिवेंशन. सही. कि आप एग्जांपल ले लें कि एक पेशेंट को अगर डायलिसिस पे चले गया वो पेशेंट तो उसको मैं एज अ डॉक्टर समझना चाहिए कि इट इज़ अ फेलियर. इट इज़ अ फेलियर ऑफ द सिस्टम. एक्यूट इश्यू इज़ अ डिफरेंट. अगर समझिए कोई अगर किसी का ब्लड प्रेशर ही चेक ना हो, अगर किसी की डायबिटीज़ ही कंट्रोल ना हो तो अल्टीमेटली वो जाके डायलिसिस की मशीन पे बैठेंगे. तो फ्रॉम अ कम्युनिटी पर्सपेक्टिव यू आर एट अ कोड ब्लू लेवल. एंड देन एज अ नेशन यूनाइटेड स्टेट्स इज एट ऑन अ हेल्थ केयर बेसिस इज ऑन अ कोड ब्लू स्टेट अगेन. क्योंकि हमारे पास 44 मिलियन अमेरिकन्स आर अनइंश्योर्ड. We tend to spend 40% or more on war, but we spend only 6% on healthcare, 6 to 7% on education.
तो हमारे जो प्रायोरिटी एनवायरनमेंट को तो आप भूल ही जाइए, अब स्पेशली ये एडमिनिस्ट्रेशन में तो भूल ही जाइए. तो वी डोंट वी आर प्रायोरिटीज आर स्क्रूड. सो वी हैव अ कोड ऑरेंज फॉर कोट एंड कोट टेररिज्म, वी हैव अ कोड रेड फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कोई पूछता नहीं. एंड देन इफ आई माई कॉल इट जी एज अ नेशन वी आर इन अ कोड ब्लू स्टेट. सो फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव आई थॉट दैट वुड बी अ गुड वन यू नो टू हैव. So हमारा प्लान ये है कि वील ब्रिंग इन डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑन डिफरेंट फील्ड्स, और वो आके कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करें, कम्युनिटी एजुकेशन क्रिएट करें. Let me ask you this. So it's not going to be just for doctors. No. You can. I'm planning to have, say, for example, a Ayurvedic doctor. Right. Or a homeopathic doctor. Mm-hmm. Or a physiotherapist. Or some counselor. I mean, अपने community में domestic violence हो, अपने community में divorce rates हो. जी. अपने कम्युनिटी में एंग्जाइटी डिप्रेशन हो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो माय फोकस इंशाल्लाह, इफ आई कैन यू नो टुडे लास्ट यस्टरडे वाज जस्ट द फर्स्ट शो, बट इफ द कम्युनिटी ऑफ प्रोवाइडर्स विद इन हेल्थ केयर सपोर्ट दिस, वी वुड लाइक टू फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट. इंशाल्लाह आई एम होपिंग टू हैव अ स्पिरिचुअलिटी डिस्कशन देयर, getting Christian and Hindu and Islam, you know, different types of dialogues. Mm-hmm. As to if, kyunki all these research hai kaafi ke how spirituality affects your health and wellness. Right. And aap dekhte hain koi haal hi mein apne paas ek young bacche ka, you know, intikal ho gaya, or how the community Jee. Got together. Jee. I mean, it was unbelievable that ek din ke andar aap, you know, 600-700, you know, hazaar log मैयत में शरीक होना, दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट यू डोंट गेट इट एनीवेयर एल्स, यू नो. तो दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे राय लेना पड़ेगा और आपसे नहीं, माशाल्लाह. आई मीन आई थिंक नहीं, यू माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट जॉब ऑलरेडी. आई मीन लाइक यू नो, बिकॉज़ द थिंग इज के आपका जो एक्सपीरियंस है, वी डिड नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस. लाइक आपका जो वन टू वन और जो पब्लिक के सामने खड़े होके बोलने का जो आपका एक्सपीरियंस है, दैट विल ऑलवेज लाइक यू नो कीप यू वन स्टेप अहेड, बिकॉज आपका वो एक, क्योंकि अभी तो वहाँ पे रेडियो के ऊपर तो आप यू आर जस्ट लाइक सिटिंग योर सेल्फ, आपको नहीं पता कि आप कौन सामने बैठा है, कौन सुन रहा है. मगर आप जब 100 लोगों, 200 लोगों, 300 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, तो यू कैन स्पीक एनी वेयर एंड लाइक यू कैन डू माशाल्लाह ग्रेट जॉब. एंड दैट्स वॉट लाइक यू बिन डूइंग फ्रॉम लॉट ऑफ ईयर्स. आई मीन मैं तो जब से लाइक यू नो यहाँ भी ह्यूस्टन में आया हूँ, आई एम बिन सींग यू डूइंग दैट. माशाल्लाह यू डूइंग ग्रेट जॉब ऑन दैट. उसके हवाले से अभी यू हैव लाइक यू नो होस्टेड ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स. If I'm saying that all kind of like, so you have experience, mashallah, in all kind of fields. But as we like to talk about like few things, jo current issues bhi hain, jo duniya mein is waqt surat-e-haal chal bhi rahi hai. Usse pehle main aaj do cheezon ko, do shakhsiyat ko jo hai, balki main unke bare mein baat karna chahta hu. Jaisa ki aap logo ko pata hai ki 2 saal pehle Sheikh Nimr ko shaheed kiya gaya 2 January. और जी वो ही स्टिल इन स्ट्रोक. एंड बिलीव इट नॉट, इट्स बीन ऑलरेडी 2 ईयर्स. एंड 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 साल पहले मुझे याद है कि जिस दिन उनको शहीद किया गया, उससे अगले दिन आई थिंक वी आर डूइंग अ प्रोटेस्ट इन ह्यूस्टन. एंड अब 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, एंड पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर, उन्होंने कुछ लोगों ने, यहाँ के भी लोगों ने और दुनिया के लोगों ने मैसेजेस भेजे कि लाइक यू नो नहीं, इनको जवाब देना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट को, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. नथिंग हैपेंड. आई मीन स्टिल नथिंग हैपेंड एट ऑल. और दूसरी एक और शख्सियत पाकिस्तान के अंदर, एतजाज़ अहसन, एक नौजवान 16-17 साल का, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, और आज हैपन टू बी उसकी बरसी. सो इट्स बिन 4 ईयर्स, 2014 के अंदर 7 जनवरी को उसने, मैं आवर्ट से कि उसने खुद शहादत को अपने गले लगाया, जब यानी कि खुद का हमला आवर को जाके उसने पकड़ लिया. सो ही जस्ट स्टॉप्ड लाइक यू नो कि वो स्कूल में दाखिल ना हो सके. सो दैट गाय, आई मीन यू कैन सी लाइक बिहाइंड अस उसकी पिक्चर जो है, एतजाज़ हसन को जो है माशाल्लाह तमगा शुजात भी उसको मिला इसी के ऊपर.
Or he happened to be one of our Shia brother as well. So mashallah, I mean, we so feel so proud कि जब कोई शिया मुस्लिम इस तरह शहादत लेता है. इसी तरह यासर अब्बास, आप लोगों को याद होगा कराची में जो नेवी के हेड क्वार्टर था या आई थिंक उनकी बेस थी, उसके ऊपर उसने भी शहादत ली. आई मीन ही वॉज हैपन टू बी अवर शिया ब्रदर एज वेल एंड आई मीन ही वॉज माई रिलेटिव एज वेल. सो आई मीन ही वॉज वेरी यंग एज वेल. आई मीन उसकी अभी आई मीन शादी भी लाइक बिल्कुल शादी होने वाली थी. सो ही वॉज क्लोज टू गेट मैरिड. सो अल्लाह मियाँ उसको भी जन्नत नसीब करे. मगर आज एतजाज हसन की शहादत के 4 साल पूरे हो चुके हैं. फिरदौसी खुद अपने छह लड़कों को शहीद कर दिया. बिल्कुल. आई मीन आई डोंट थिंक ही हैज एनी सन लेफ्ट, राइट? सारे उनके बेटों को शहीद कर दिया गया. सिर्फ आई थिंक उनकी बेटियां अभी हैं, एक दो बेटियां हैं, मगर शेख जक्सी को अभी तक उन्होंने रहा नहीं किया. नहीं, अब आज ही के न्यूज कुछ सुन रहा था मैं कि वो स्ट्रोक. But उनके orders, I have heard के orders हो चुके थे काफी जमाने से आगे, मगर they did not. They have not released them yet. So, I mean, they still, there's no justice. There's no justice. और यहाँ पे किसी को कुछ नजर नहीं आता, मगर वहाँ पे दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर थोड़े से लोगों को पैसे दे के वो सड़कों में निकाल ले तो कह रहे थे लाइक वहाँ के लोग निजात हासिल करना चाहते हैं. United Nations Security Council में चले जाते. हाँ. So, you know, यहाँ पे millions of people. जो कि मिलियंस ऑफ पीपल लाइक नाइजीरिया के अंदर शेख जक्सकी के फॉलोअर्स हैं और वहाँ पे कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं है और वहाँ पे दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है उसके ऊपर, बिकॉज दे आर बिहाइंड इट. आई मीन वी लाइक इट और नॉट, मगर दे आर बिहाइंड इट. लाइक एवरी, मैं तो कहता हूँ या तो आदमी खुद जालिम होता है या जालिम को सपोर्ट करने वाला होता है. अगर वो खामोश बैठा हुआ है तो वो जालिम को सपोर्ट कर रहा है. सो इसलिए लाइक अगर वो कह रहे कि स्पेशली व्हेन दे सेड इट्स योर इंटरनल मैटर, सो दैट मींस कि दे आर हैप्पी अबाउट इट एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. कि अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मैटर क्यों नहीं होता? पाकिस्तान की जब कोई भी सूरत हाल की चीज़ होती है फौरन कॉल चल जाती है, फौरन बयान आ जाता है कि पाकिस्तान इस तरह नहीं कर सकता. या पाकिस्तान की मिलिट्री एड क्यों बंद कर देते हैं और दूसरे मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों दे रहे हैं? एग्जैक्टली. अब इसके अंदर भी आप देख लें कि बहुत सारे मुल्कों ने हालांकि इसके ऊपर वोट इनके अगेंस्ट किया है, मगर उनके साथ उस किस्म का रवैया नहीं है. मगर जिस किस्म का रवैया जो है वो पाकिस्तान के साथ लिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान को उन्होंने फौरन जो है लिटरली उन्होंने रेड्स बंद कर दिए और धमकियां दी जा रही हैं. फलस्तीन को भी ऐसे बंद कर रहे हैं. एग्जैक्टली. वहां भी दे रहे नहीं. बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल, दे रहे नहीं. राइट. फलस्तीन यू हैव मेंशनड द फलस्तीन एंड आई हैव बीन वाचिंग यू लाइक ऑन सोशल मीडिया. यू हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया टॉपिक. सो आई मीन द फलस्तीन टॉपिक. तो आई वुड लाइक टू लाइक नो कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू लाइक ऑलवेज कि यू स्टे वेरी एक्टिव ऑन इट एंड जो भी वहां की खबरें होती हैं यू ऑलवेज शेयर एंड टॉप ऑफ दैट. Like जिस आप प्रोफेशन के अंदर हो और जिस मुल्क में आप रहते हो, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं. लाइक वी शुड नॉट लाइक आई मीन लिटरली लाइक आई मीन दिस इज हाउ आई मीन हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो में आने से मना करते हैं कि नहीं 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 वी डोंट वांट लाइक गेट इन्वॉल्व इन दैट, वी डोंट वांट टॉक अबाउट इट. सो आई मीन माशाल्लाह, बट यू हैव बीन वेरी एक्टिव. वी हैव बीन लाइक सेइंग व्हाट्स द ट्रुथ. Or wherever you find the truth, you share with other people as well. नहीं, एक तो ये है कि अगर आप historically, एक तो ये है कि within US, I think there is, as a US citizen, मैं बोल सकता हूँ कि we do have freedom of speech. We still have freedom of speech. तो हमको किसी किस्म से खौफ होना नहीं चाहिए हक बोलने के लिए, स्पेशली एज ए शिया. अहले बैत के मानने वालों के लिए तो हमारे लिए तो कोई वो नहीं है. और कोई एक हर चीज़ का एक तरीक़ा होता बोलने का, जो हक बात है उस बात के. और अगर आप फैक्ट्स दें तो नोबडी इज़ गोइंग टू चैलेंज यू. एंड लास्टली, अगर आप इनके फॉलो करें तो हमारे साथ ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं. यू नो द साइलेंट मेजॉरिटी इज़ विद अस, बट दे आर समटाइम्स अफ्रेड टू टॉक अबाउट इट.
there is a good segment of the Jewish population itself that do not believe in this concept of the Zionist state. अगर एलिसन वायर की अगर आप किताब पढ़ें अगेंस्ट अ बेटर जजमेंट इज ब्यूटिफुली यू नो रिटर्न इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू अ कॉपी ऑफ इट आई हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी जो कि वो रिसर्च करके बताई है कि किस कस्म से सही द अमेरिकन पॉलिसीज वर चेंज्ड इन रिलेशन टू यू नो पैलेस्टाइन और वो जाते हैं ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर वन जिनके पास ज़ायनिस्ट एक सुप्रीम कोर्ट जज था रेनस और वहाँ उनसे ये माहिदा हुआ था कि हम वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन का साथ देंगे अमेरिका को अगर आप हमारे लिए ये काम करो ये काम कर दें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये बैलफोर डिक्लेरेशन वगैरह हुआ है और वो अब तक बिल्कुल समझिए आपके फ़िलहाल तो तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट को यू नो कंट्रोल किया हुआ है और मगर फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इफ यू एनालाइज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग दैट आर गिविंग रेजिस्टेंस टू इट बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन ज्यूइश पॉपुलेशन इटसेल्फ स्पेशली द यंग जनरेशन बिलो 35 को अगर आप उनको देखें दे डू नॉट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ पॉलिसी दे अमेरिकन जूस फॉर पीस जो या पाँच छः ऑर्गेनाइजेशंस को आज ही वो बैन किए हैं BDS मूवमेंट के लिए कि इवन दो दे आर जूस देमसेल्व्स दे विल नॉट बी फॉर एग्जांपल कोट पिंक की जो लड़के So whether it's Code Pink, whether it is Jews for Peace, there are five or six organizations. I think I might have even written it up someplace. Let me give you that note. Otherwise, I can look it up. That they have given a blanket statement that they cannot, you know, come to Israel. So even from their perspective, they are finding a pinch. So the BDS movement, आप समझते हैं कि BDS movement से कुछ नहीं हो रहा है, it's हो रहा. I mean, even within the Democratic Party, the progressive wing of the Democratic Party are not in favor of them continuing with this. So basically, correct me if I'm wrong, कि it's pretty much same thing as जैसे Daesh या ISIS जो कर रही है, वो कह रही है कि हम जो whatever we are doing, we are the one. अगर हमारे खिलाफ हमारे अलावा कोई कुछ कर रहा है तो वो हम उसको सबको खत्म कर देंगे तो ये भी वही कर रहे हैं कि भी इनके अंदर अगर कोई अच्छे ज्यूइश हैं अगर वो अच्छी चीजें अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं तो ये उनको खत्म कर रही है उनको ब्लॉक कर रही है उनको बैन कर रही है इनके अंदर एक तकफीरी मूवमेंट है सही का नाम है ज़ायनिस्ट ज़ायनिस्ट और जैसा यू नो क्रिश्चियनिटी में KKK है और यू नो इस्लाम में तकफीरी अपने हैं तो इसी किस्म से ये लोग इनको जुडेज़्म से ताल्लुक नहीं है सही यू नो दे डोंट हैव रिलीजन ऑफ जुडेज़्म से ताल्लुक नहीं है सही सो आई मीन अगेन जैसे मगर अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि मीडिया जो इन ममालिक का जो मीडिया है वो इन चीज़ों को इस्लाम के ऊपर बात आती है तो इस्लाम को बदनाम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर जब बात आती है तो वो जिक्र भी नहीं करते वो एक लाइक यू नो इंडिविजुअल लोगों को बात करते हैं और मगर वो नहीं बताते कि इस मजहब के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जी जी और जिनको यानी कि लाइक यू नो वो हाईलाइट करना चाहिए बट दे ट्राई टू हाइड दैट सो वो अपने आप को लाइक यू नो दे आर स्टिल लाइक यू नो शोइंग बस जो है एक ही मजहब बुरा है एक ही मजहब बुरा है उसके मजहब के मारने वाले जो कि हालांकि बिल्कुल वो कहते ना आटे में नमक के बराबर वो लोग जो उस मजहब के मानने वाले भी नहीं है आई वुड से दैट कि दे आर नॉट बिकॉज वो इनडायरेक्टली दे आर पेड बाय समबडी एल्स सही सो वो हाल ही देखेंगे ना आप अपने ह्यूस्टन में क्रिस क्या है दिसंबर 31st की वो जो हाइट रीजेंसी जो मेन डाउनटाउन होटल में जी वो जो आदमी पकड़े गया था उसका शुरू में नाम ही नहीं आया जी वो दो तीन दिन तक नाम ही नहीं आया क्योंकि वो गोरा था हालांकि वो इतने हथियार थे उसके पास तो वो क्या कर रहा था जी और वो कह रहे कि उसने गाड़ी में से इसलिए निकाले थे कि वो ही वाज नॉट फीलिंग सेफ तो इसलिए दे लेट हिम गो
राइट. सो आई मीन यू नो, हज़ार लोग बेचारे ब्लैक्स मार डाले गए डिस्पाइट ऑल दिस सोशल मीडिया में जो हो रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर. तो हक तो मुश्किल है मगर आई थिंक पीपल आर स्टार्टिंग टू नो. But that's the positive thing. I want to hear from you, like, you know, how do you find the courage and, like, you know, braveness apne andar ke aap jo issues hote hain unke upar khul ke baat karte ho, or and then, like, you know, you speak like at the right time. Yani ki ye nahi ki aap like galat jagah pe galat khade hue aap like nahi, you give the message to people and share with the people. I mean usse khususi taur pe, like, I would say main apne bare mein keh sakta hu, I get like a lot of courage. कि लाइक यू नो के भी एक हमारे एल्डर हैं जो लाइक यू नो यहां पे इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट इट. आई कैन गिव यू सम अ फ्यू एग्जांपल्स एनेक्डोट्स. यहां पे सितंबर 10th थी डेट जब सलमान रश्दी आए थे. सही शाम व्हाट मार सम व्हाटएवर यू वांट टू कॉल जब इन ह्यूस्टन जी 9/11 का हुआ था 2001 में हुआ था राइट. So I was on the board and Maulana Biria was there at that time. So hum bole ke Maulana ye khabiz aa raha hai to kya responsibility hamari. To bole agar 10 log bhi hain to hum jaake khade ho jayenge. You were fetch mein aaya tha I think. Ji right. Ji, imprint jo hai wo leke aaya tha. Hmm. Aur alhamdulillah community 400-500 log aa gaye the jab tak. So that's, you know. और उसके फौरन नेक्स्ट डे ये हादसा हो गया 9/11 का. तो पूरा जमा हो गया हमारे पास, आपको याद होगा, और टीवी ले लेंगे. तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप करबला को मानते हैं तो ये मत देखें कि हमारे साथ 4 लोग हैं, 72 हैं, यू नो कितने हैं. हक बात कर लें आप जैसे, यू नो again, you know, within that range of decorum and decency and ji aur jo bhi law aapko permit karte hain within the law right. Kabhi bhi aap ye mat samjhe ki aap, you know, jo bhi mulk mein aap rehte hain, jab you know Pakistan mein raho ya Hindustan mein raho ya America mein raho ya England mein raho, beshak within the law aap baat kare ji. Jab for example Jerusalem ka jo हाल ही में जो किस्सा हुआ था जी, आम आदमी तो कुछ पता मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं है जी. तो मेरे पास एक फलस्तीन की टोपी थी जी, तो पहनना शुरू करा मैं जी, और वो सर्दी भी थी तो हमारा यू नो जो रहता हो, वो पहन लिया. तो यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर कोलीग्स, यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर एम्प्लॉईज और जो भी आपके पास आते हैं. See, that's what you know, you आप जैसा आपका जो प्रोग्राम है, इट्स वन पर्सन एट अ टाइम. जैसा मौला अमीर अमीन फरमाए थे कि अगर मेरे पास माविया के वैसे यू नो फॉलोअर्स होते तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी. हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पास कोई इमाम को कोई यू नो सॉलिड टाइप के फॉलोअर्स नहीं है. ये तो मिनिमम कर रहे हैं हम, तो हम कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं. वो जो आप आहत तमीमी से देखिए आप जी, दैट्स व्हाट आई वाज गोना कम टू यू नेक्स्ट. तमीमी की जो 16 साल की लड़की है और एंड शी हैज बीन डूइंग दैट फ्रॉम चाइल्डहुड, लाइक व्हेन शी वाज वेरी यंग जी, चाइल्डहुड से. तो शी वाज आई थिंक 5 और 6 इयर्स ओल्ड, वो टैंकों के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी. अब वो मेरा 15-16 साल की हो गई है एंड शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर लाइक लास्ट फ्यू डेज. ये यहां का मीडिया बात ही नहीं करता है कि उसके कजन को बंदूक से उसके पूरा वो ही स्टिल इन द यू नो होम एंड स्टफ लाइक दैट. तो उस हिसाब से वो थप्पड़ मारी थी. तो कमर भाई, मैं आपसे दो सवाल करूँगा. पहला तो अमेरिकन में आपने फरमाया कि सिर्फ 6% जो हेल्थ केयर GPD का जी. वो यूज करते हैं सही. हेल्थ पे सही. तो 6-7% तो ये कैसे कवर हो पाता है सारा, कैसे लोग अपने लिए मेडिकेशन और जो दूसरे सपोर्ट है वो कैसे फिल होता है, जो गैप है. देखिए आई मीन इन द सेंस के यूनाइटेड स्टेट्स सबसे इवन टुडे इज द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. सही. इनके जो रिसोर्सेज और इनकी जो हेल्थ केयर है
it's still, as far as the resources are concerned, it's still one of the best, if not the best. Sahi. Ek alag discussion hai ki despite all that, the morbidity mortality rate mein hum zyada theek nahi hai. Sahi. I mean, kyunki uske alag reasons hai. I mean, I'm not going to get into that discussion. Sahi. Magar inke jo priorities hain, wo priorities sahi set nahi hai. Sahi set nahi. You know, inke jo within 65% of the American physician community want a single payer health system. Sahi. In repeated studies. Sahi. Single payer health system ka matlab ye hai ki Medicare for all. Sahi. You know, recoup, you know, Medicare for all. Magar chunke hamara you know, mulk filhal ek corporatocracy boliye, plutocracy boliye, jo bhi bole hain usko, ke we the big corporations particularly are now on steroids and testosterone. You know, unko to bilkul khulli chutti. Ab filhal jo aapka tax scam hua hai, usme to aur bhi inko bilkul chutti mil gayi. Sahi. Okay. So it boils down to your priorities. Sahi. Aur number 2 jo aapne kaha 44 million jo hai without insurance. Ji. To wo zyadatar Texas mein hai. Wo gap kaise cover hota hai? Gap aap aur hum de rahe hain. Jo hamare taxes jo hote hain. Yani wo sense ke aap chale jaye agar koi bacche ko accident ho jaye usko seedha le jate hain Bentop le jate hain aap member hospital mein le jaye kahin bhi le ke koi bhi hospital le jate hain. तो इमरजेंसी तो कवर हो जाता है सही है एंड यू एंड अप यू नो गेटिंग इट आउट फ्रॉम यू नो एट सम पॉइंट वी आर पेइंग इट वन वे और द अदर सही है कंपेयर्ड टू अदर हेल्थ सिस्टम्स सही है कनाडा हो या वैसा नहीं है यू नो इंग्लैंड हो उसके भी एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन वहाँ पे जो कनाडा सिस्टम है उसमें ये है कि वो हाई टैक्सेस मतलब उनकी जो टैक्सेस है ऑन द पे चेक वहाँ से वो सारा और वो फुल कवरेज नहीं है ऐसा नहीं है कि वो 100% कवर हो नहीं उनको भी पे करना पड़ता है और दूसरा जो मेरा सवाल है बड़ा आम सा भी हो रहा है कि ये आप एज अ डॉक्टर भी और थोड़ा साइकी ह्यूमन साइकी के हिसाब से दुनिया भर में ऐसा क्यों हो रहा है कि इंतहा पसंद लोग जो हैं वो इख्तदार में आ रहे हैं जहाँ भी जिस मुल्क में भी देखिए वो इंतहा पसंदी यानी जैसे हिंदुस्तान में देखिए यहाँ पे तो बहुत आसान है यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें इंतहा पसंदी की सोच वाले जो है पॉपुलिज्म बहुत हो गया हाँ यानी वो लोग जो हैं वो इख्तदार में आ रहे हैं जो इंतहा पसंदी को बढ़ावा देते हैं सही तो ऐसा क्यों है हमारे ये चाय वाले साहब हाँ जी मोदी यू नो उनके लिए राहुल गांधी वाज नॉट द टाइप ऑफ कैंडिडेट सही यहाँ पे आई डोंट थिंक अगर बर्नी आ जाता तो ट्रम्प वुड हैव लॉस्ट यस क्योंकि दिस वाज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड पीपल डिड नॉट वांट हैव एन एस्टैब्लिश्ड टाइप ऑफ अ कैंडिडेट और वो भी एक पॉपुलिज्म था आई मीन ही आल्सो हैड अ वेरी यू नो पॉपुलर टाइप ऑफ थिंग तो आपका जो बेस है आई मीन If you really look at the U.S. elections, the whole election is being fought maybe in 3 states and maybe 11-12 districts. Sahi. That's the election. The rest is all gerrymandering. Jo blue states hai, wo takriban blue states hain. Jo red states hai, wo red states hain. Sahi. To aapko 3-4 states pe agar aap concentrate kare. To unhone isi. Aur ये इन्हें नहीं किए वो कर लिया टेक्निकल उसमें वो जीत गया उन्होंने कहा कि भी इन वेरी स्मार्ट आई मीन आप उसको कितना भी बोल रहे मगर यू नो ही डिड द राइट थिंग एज फार एज स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड तो बिल्कुल जितने भी अभी दुनिया में इख्तदार में लोग आए इस एरा में वो इंतहा पसंदी की सोच से करीब तक लोग पाकिस्तान में भी वही हिंदुस्तान में इसराइल में और अमेरिका में जो भी जमहूरियत है वैसे तो दुनिया में काफी मुल्क हैं जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो ऑस्ट्रिया देख लीजिए हाल में ऑस्ट्रिया में फैसिस्ट के आ गए हैं फ्रांस में हालांकि मैक्रोन आया है मगर ही स्टिल मोर ऑफ अ मॉडरेट लीनिंग टुवर्ड्स द राइट
सही तो इसकी वजह क्या है, लोगों का क्या रुझान इंतहा पसंदी की तरफ चला गया क्या? एक तो पॉसिबली कम किस्म के, चूंकि आपका मीडिया इतना कंट्रोल में है कॉरपोरेशंस के, फॉर एग्जांपल इन इंडिया मोदी यूज द टेक्निक दैट ओबामा डिड यू नो इन यूएस एंड यूज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, इन फैक्ट अ लॉट ऑफ मनी केम फ्रॉम यूएस फॉर हिज इलेक्शन स्टफ. तो एंड ही हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप, वो जो किस्म से तकरीर कर रहा था और जो किस्म से इश्यूज को रेज कर रहा था, वो जैसा बोलते हैं ना उल्लू बांधना, ही वॉज एबल टू डू इट. एंड यू नो सो दीज आर टाइप्स ऑफ लीडर्स हु कम अप. ट्रंप इज बेसिकली आई मीन 16-17 लोगों को रिपब्लिकन पार्टी में हराना पहले वॉज नॉट आसान नहीं है, मगर ही न्यू हाउ टू यूज द मीडिया. So that's part of it, and I think part of it is के वो हर कोई अपना inner देख रहा है. They're getting to the base. They're going away from spiritualism, and they're going more towards the materialism. And whatever attracts the materialism. So, do you think that he can complete his tenure? I think he will complete not only complete the tenure. I think he may act in fact win the second term. Trump? Yes. I mean, I don't see any other leader opposing him right now in the Republican Party, and I don't see any Democrat coming up that will have that much of a, you know, popularity. Or usko pata hai, usko, he knows how to use the media and stuff. You know, whether he does it or not is a different thing. Magar the medical psychiatric community is quite worried about him. मैंने एक साहब से सवाल किया था, यही सवाल ट्रंप के मुतालिक और हिलरी के कंपैरिजन किया था, तो उन्होंने, वो भी काफ़ी अर्से से अमेरिका में, और वही बेसिकली इज़ ए फार्मासिस्ट डूइंग हिज ओन बिजनेस इन न्यूयॉर्क. उनका कहना ये था कि अमेरिका भी तैयार नहीं था हिलरी के लिए. मतलब एज अ लेडी नहीं, आई थिंक ही वन बिकॉज ऑफ द पुअर बेस. It was a very anti-racial mood, क्योंकि इनके पास कभी कोई काला आया नहीं था. And having a black president and having you know half black president, right. so you know it happened that a combination of the anti the combination of race politics, yes. and the combination of an anti-establishment type of a year. Plus the unpopularity of Hillary. Plus the arrogance of Hillary. Hillary was very arrogant. वो तो समझी थी शुरू से कि मैं queen and I'll be anointed. मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ. जी जी वो बचपन से. और हो सकता है कि हिलरी को जो सपोर्ट कर रहे थे वो फैक्टर जो थे वो एक स्पेनिश और एक मुसलमान फैक्टर भी था, फिर जो आपने फैक्टर बयान किया जो ओबामा के साथ था, तीन फैक्टर ने हिलरी को शिकस्त में मदद दी है. एक तो औरत होना, मेरे नज़र में औरत होना, स्पेनिश की सपोर्ट, और जो ओबामा के साथ डिसएडवांटेज था. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा नहीं, मगर औरत के अलावा आई मीन काफ़ी रिपब्लिकन वुमन खुद उसको दिए हैं ट्रंप को. तो आई पॉपुलर वोट में शी वन बाई टू मिलियन इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स. मगर आई थिंक उनके जो साथी थे, जो हूएवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट, they did not target Wisconsin, they did not target you know technically taur pe technical taur pe to electoral you know victory leke plus they were very overconfident plus aap agar aap fire and fury jo nayi kitab aayi hai agar aap usme uske excerpt dekhen to trump himself was not sure that he's going to win. he didn't want to win. vote zyada hillary ko mile ji ji lekin jo kyunki state ka electoral vote tha uski wajah se ji technically taur pe ji wo मगर मैं समझता हूँ बर्नी जीत जाता था. माय गट फीलिंग इज से वो, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट था वो भी. जरूरी नहीं है, मगर इट्स टू लेट नाउ टू डिस्कस दैट, बट वी हैव टू सी इज वो कर क्या रहा है. ट्रू, कर तो बड़ा खराब रहा. ही इज नॉट बीन सक्सेसफुल इन मेनी थिंग्स,
मगर मुस्लिम बैन ही वाज नॉट एबल टू डू इट इन द फेडरल सिस्टम बट ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ अल्ट्रा कंजर्वेटिव जजेस सही सो दैट्स अब हमारा नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं और आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं और स्पेशली डॉक्टर कमर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आप अगर इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं एनी किसी भी हवाले से और आई एम श्योर के ही कैन आंसर इट मेडिकल के हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं आप इनसे ही इज़ हियर एंड ही विल इंशाल्लाह ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एंड उसके अलावा अगर हमने अब तक जो कुछ भी आपने बात की है अगर उसके अंदर कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से आपके जहनों में तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और वैसे मुझे मैसेंजर के ज़रिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह पीपल आर वॉचिंग एंड दे आर लाइकिंग द शो सो फार बट आई वुड लाइक टू आई हैव रिक्वेस्टेड देम टू लाइक यू नो इफ दे कैन कॉल अस इन द प्रोग्राम एंड ज्वाइन अस इन द प्रोग्राम दैट विल बी इवन मच बेटर So, our number. More interactive, it's. Beshak, beshak. So, people, a lot of time, like, you know, they just like hesitate to call. Halanke, wo call karke apne feedback de sakte hain, apne question pooch sakte hain. Kyunki unke ho sakta hai ki question se bahut sare logon ko fayda ho sakta hai. कि अगर किसी को कोई जहन में कोई चीज़ आती है मगर लोग पीपल वो वही चीज़ें मुझे बाद में ऑफ एयर पूछेंगे मगर ऑन एयर कॉल करके नहीं पूछेंगे जब मैं उन्हें मिलूंगा या मुझे कॉल करेंगे दे विल आस्क मी दे विल टेक्स्ट मी कि लाइक यू नो यू वर टॉकिंग अबाउट दिस लाइक कैन यू टेल अस मैंने कहा व्हाई डोंट यू कॉल अस इन द प्रोग्राम कि वो प्रोग्राम हमें लाइव करने का मकसद ही है मगर पीपल जस्ट हेजिटेट फॉर सम रीजन आई मीन आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज आई हैव डन द सेम थिंग जब मैं शो नहीं करता था तो मैंने कभी किसी प्रोग्राम में लाइव कॉल नहीं किया था जिंदगी में नहीं किया था बट उसके बाद जब से मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ आई रियलाइज के लाइक यू नो ये दोनों लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक गेस्ट के लिए भी और एक होस्ट के लिए भी कि दे वांट टू इंटरेक्ट इन लाइव प्रोग्राम विद द व्यूअर्स सो उससे ताकि वो व्यूअर्स की जो जो क्वेश्चन है या जो उनकी फीडबैक है या इनपुट है उसके मुताबिक वो शो को आगे लेके चल सके सो मगर आई वुड से लाइक यू नो लॉट ऑफ टाइम लाइक यू नो सैकड़ों लोग देख रहे होंगे मगर वो कहते यार हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे मगर लाइक यू नो वी जस्ट डिडंट लाइक यू नो थिंक कि हम लोग आपको इंटरप्ट करें या कॉल करें तो मैं कहता नहीं प्लीज़ प्लीज़ डू सो क्योंकि हम लोग वो प्रोग्राम आप ही के लिए करें बोल दें कि अगर कोई कॉल किए तो उनको एक हैदराबादी बिरयानी मिलेंगे कुछ किस्म से आप बिल्कुल आज देखो हमारे पास हैदराबाद के गेस्ट आए हैं तो लाइक यू नो एंड ही इज गिविंग हिज सजेशन कि हैदराबादी बिरयानी मिलेगी मगर आप ये चक्कर है कि अगर कोई बंदा हैदराबाद से कॉल करता है कि 10th कॉलर को ये मिलेगा जी जो और इंसेंटिव देना पड़ता है जी अगर फ्री कोलोनोस्कोपी भी सवाल कर लेते हैं कि कंबर भाई का असल नाम क्या है ये एक बड़ा दिस इज मुझे भी आई जस्ट फिगर आउट यस्टरडे मायसेल्फ कि मुझे ये मेरी पैदाइश हुई थी 1955 में आई थिंक तो वहाँ पे फजले अली कमीशन था जी इंडिया में फजले अली कमीशन तो मौला के नाम से तो मेरा असल नाम है फजले अली सही है और पता ये हुआ बाद में भी कि हजरत खंबर का असल नाम अबुल फजल भी था अच्छा, पता नहीं कितना है आई एम नॉट फजलों के बेटे का नाम था अच्छा फजले अली तो दौरान गुफ्तगू आपने जिक्र आया कि आपकी बेगम भी आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग वगैरह में तो वो भी डॉक्टर हैं या जी नहीं शी एक्चुअली इज वो शी डिड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स तो कभी वगैरह वो सब्स्टिट्यूट टीचर कैसा करते हैं अच्छा बेसिकली अलहमदुल्ला आई थिंक मेरा मतलब ये था कि फॉर एनी थिंग यू नीड द सपोर्ट ऑफ योर स्पाउस जी फैमिली का सपोर्ट स्ट्रक्चर कम्युनिटी का सपोर्ट और बच्चों का जी मेक्स अ डिफरेंस सही सो डॉक्टर आप आई थिंक पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू मेक देयर माइंड टू कॉल अस I would like to like you know find out like you know कि आप GI specialist हैं जी आप क्या recommendation दे सकते हैं अपने इस शोबे के हवाले से लोगों के लिए कि उनको एक generally उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जी medical point of view से आप मेरी field का ही बोल देता हूँ मैं आपको हमारे एक बहुत ही अजीम शख्सियत community के इंतकाल कर गए मरहूम मुनव्वर भाई जी फ्रॉम ए ज़िंदगी हयात अल्लाह के हाथ में हैं यू नो हर चीज़
وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اینڈ آل دیٹ اسائڈ, فرام اے پیور میڈیکل پرسپیکٹیو اگر آپ دیکھیں تو کولون کینسر از اے پریونٹیبل کینسر. صحیح. دی انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ آئی واز گیونگ اے میڈیکل لیکچر, جو ہمارے سینئر سٹیزن کلب کا ہوتا ہے, جی, ایک سال یا دو سال پہلے آئی ہیڈ ایون گیون اے ٹاک آن کولون کینسر اویئرنیس, مگر اس کے باوجود ان ایوریج امیریکن پاپولیشن اونلی 65% وڈ انڈر گو اے کولون کینسر اسکریننگ ایز فار ایز اے کولونوسکوپی از کنسرن. اور آپ کو ونس ان 10 years کرنا ہے, اٹس اے پین لیس پروسیجر, اٹس ناٹ اے, یو نو, یس دیر آر سم ریسک, دیر آر ایون ناؤ ڈے اسٹول ٹیسٹ دیٹ کین ڈیٹیکٹ ڈی این اے اینڈ اسٹف. سو اف یو وانٹ اے نان انویزو تھنگز یو کین ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. حال میں آئی ہیو جسٹ ڈن آن اے کمیونٹی ممبر اینڈ کوائٹ ایڈوانس پالپس تھے ان کے پاس, کیونکہ اے ناٹ بینگ اسکرینڈ. سیم تھنگ گوز ود وومن ناٹ لرننگ ہاؤ ٹو ڈو اون بریسٹ ایگزامس آن اے ریگولر بیسس, ناٹ گیٹنگ میموگرامس. ہماری کمیونٹی میں لوگ ہیں جس کو ایڈوانسڈ بریسٹ کینسرز ہیں, وومن ناٹ گوئنگ فار پیپ اسمیئرس, مین ناٹ چیکنگ دیئر بلڈ پریشر, یو نو, اور ایون وومن ڈائبٹیز ہو, ڈائبٹیز کنٹرول میں ہو نہ ہو, obesity ke epidemic, sahi, and its relation, you know, to health, you know, all the psychological effects, sahi, aur psychological diseases pe to stigma itna hai community mein ke wo to address bhi nahi hote hain. So but from a gastroenterology perspective, I know a lot of us have a lot of reflux, gastroesophageal reflux disease, acidity wagaira, ایچ پلاری کافی کامن ہے انڈین پاکستانیز میں, بیکٹیریا جو ہے وومن میں, اور مین میں اریٹیبل بال سنڈروم بھی اٹس اے ہائی انسیڈنس, جو کہ ایدھر ڈائٹ یا اسٹریس سے. تو اویئرنیس ڈیولپ کرنا ہے فرسٹ. ایک اور ایک قسم سے وی ہیو دس پرسیپشن کہ ارے بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں 10 tests نہ کریں گا, اس کو تو لیکسس کی پرواہ ہے, یو نو دیٹ کائنڈ آف پرسیپشن از دیئر, ارے, یو نو, اور آپ انڈیا پاکستان میں تو آپ دیر از ناٹ ایون دیٹ لیول آف ٹرسٹ دیٹ سم ٹائمز ایٹ لیسٹ وی ہیو ڈیولپڈ اٹ ہیئر. ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کچھ سسٹم ہے جس کے وجہ سے کوالٹی کنٹرول ہے. مگر باٹم لائن آئی تھنک پریونشن is better than cure, and the more we do these kinds of you know, to causes kya main cause kya hai colonal cancer? Colon cancer ka 85% usko bolte hain sporadic hai, 15% is genetic. Acha. For any disease main batata hu ki you know, everybody has their own Levi's. So you know, aap you whatever genes hum jo leke aaye hain, you know, that doesn't change. Even that has been shown that with diet and exercise you can change your, you can modulate your genes. Gut movements ka bhi isse ko taluq hai? Gut movements se nahi, magar it's an aging process of the colon. Say. Which is directly related to your diet. Right. So if somebody has a diet which is low in fiber. Yes. Matlab fruits, vegetables, or grains. And high in red meat, especially processed meats. Processed meats se kafi har alag alag qisam se diseases hote hain, including colon cancer. So they develop little growths. Growths ko bolte hain polyps. Polyps, acha. And polyps with time they grow into cancer. پالپس جو ہوتے ہیں ویلیز سے جی ڈیولپ ہوتے جی جی وہی انلارجمنٹ وہ انلارج ہو جاتا ہے اور پالپس کہتے ہیں پالپس جا کے وہ کینسر ہو جاتے ہیں اچھا دیئر سرٹن ٹائپس آف پالپس رائٹ سو اس کو بولتے ہیں ایڈینوما ایڈینوما رائٹ سو ایڈینومیٹس پالپس چینج انٹو ایڈینوکارسینوما ہاں تو السر السر از ڈفرنٹ او یا کین بی السر کین بی ڈیولپ ٹو اے کینسر دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف السر مطلب یہ کہ کوئی پان کھا رہا نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر وہ مگر اسٹمک کا نہیں اسٹمک کا نہیں اسٹمک کالسر یا تو آپ کو کوئی بیکٹیریا سے ہے جس کو بولتے ہیں ایچ پائلوری
या आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, अच्छा, जैसा कि मोटरिन हो, एडविल हो, एलीव हो, नॉन स्टेरॉयडल्स और कॉक्स मेडिकेशन, खाली पेट आपने कोई भी नहीं उसे वो दैट्स नॉट यू नो रिलेटेड टू अल्सर इटसेल्फ, इट्स मोर रिफ्लक्स, रिफ्लक्स के अगर है प्रॉब्लम है तो डाइट इटसेल्फ डजंट हैव एनी मच रोल. कॉन्स्टिपेशन का रोल है? कॉन्स्टिपेशन डज नॉट लीड टू कैंसर, यू नो. अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉल कर रहा है. लाइन वन, लाइन और आगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? करंट अफेयर विद आसिम में आपने कॉल किए और हमारे साथ डॉक्टर. जी 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 मोहसिन भाई. सही जी. जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो आई है कि कैपिटल शिफ्ट करना चाहिए है, इसके क्या राय है आप लोग की? और ये के जो ग्लोबल रेजिस्टेंस लीडरशिप है उसकी तरफ से काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस चीज के खिलाफ, तो जो पीस प्रोसेस था, जो पीस टॉक्स थे, क्या वो खत्म हो जाएंगे या मोहसिन नकवी हमारे साथ बहुत सारे माशाल्लाह प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ पे इसी स्टूडियोज में, तो माशाल्लाह ये भी काफी क्लोज आई रखते हैं और आई एम ग्लैड कि वेरी गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट एट अ वेरी यंग एज. माशाल्लाह विजडम बहुत है. बेशक बेशक. और हम लोग बहुत सारे हमारे नाज़रीन अक्सर यहाँ पे देख चुके हैं इनको. मोहसिन बिफोर आई लेट यू गो आई लाइक टू हियर योर वर्जन एज वेल. आई मीन आप क्या फील कर रहे हैं अभी जो सूरत हाल चल रही है और पैलेस्टाइन के हवाले से देख लें, यमन के हवाले से देख लें और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी आप बहुत क्लोज आई रखते हैं. आई वांट टू गेट योर वर्जन कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी इन्फ्लुएंस जो चल रहा है इस वक्त और जो सूरत हाल अभी जो बनने जा रही है आप उसको किस तरह से देखते हैं? एंड इंशाल्लाह वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द पैलेस्टाइन एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द स्पेसिफिकली व्हाट यू हैव आस्क्ड इंशाल्लाह. सही. तो उस नुकसान को कौन भरेगा? उसका भी जरा लॉन्ग टर्म सबको जवाब देना चाहिए. दूसरी बात ये कि अगर हम दूसरे एंगल से तो देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ हो रही है इसी पर पाकिस्तान में आ रहा है, चाइना पाक दोस्ती से बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को. और चौथी बात ये कि एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की नजर आ रहा है कि उसके उसकी मतलब इट इज शिफ्टिंग इट्स पॉलिसी towards the Iran-Russia bloc now. अगर इमरान खान ताकत में आता है, अगर इमरान खान पावर में आता है तो इमरान खान की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आएंगे इलेक्शन की. अभी ट्रंप के खिलाफ भी काफी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दी है इमरान खान ने और अभी भी इलेक्शन की उसकी शेयर रही है उसने कहा कि अगर अमेरिका हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारे लिए रशिया ईरान की दोस्ती थी और वो एंगल मौजूद है हमारे पास. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो करता रहे तो उसमें हमारा फायदा है.
इसमें इंडिया का कितना हाथ होगा? जी सॉरी, इसमें इंडिया का कितना हाथ होगा? क्योंकि निकी हेली नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. जी, आई मीन डू यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान विद इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? और मोदी चूंकि इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है और इंडिया चाइना की कोई खास बनती नहीं है और बाहर इंडिया एक पावर है, बहुत सभी पावर है इंडिया, तो नेचुरली ट्रंप की इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ बढ़ेगी. क्योंकि चाइना और इंडिया की भी काफी सीरियस पैसेज है ओवर द इशू के ऊपर. राइट, तो चाइना इंडिया की आपस में ऑब्वियसली कोई बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं है चाइना इंडिया के, तो इसलिए पाकिस्तान चाइना की नेशनल लाइन बनती है, इंडिया की और अमेरिका की नेशनल लाइन बनती है. लेकिन ओवरऑल क्या देखने का आई फील पोलिटिकली स्पीकिंग आइडियोलॉजिकली कि इस वक्त की इंडिया की लीडरशिप है इट रियली डज नॉट रिप्रेजेंट the will of the Indians the way it should. But just the way Trump does not represent the will of the Americans as such. Good. Sahi, bahut shukriya Mohsin. Inshallah, we will talk about it, the question you have raised, and we have talked about it briefly, like, you know, on those things, but we did not talk about specifically what you have asked us. Then we will, inshallah, talk about that. Thank you for... I think from a Palestinian population perspective, as well as the global Islamic community perspective, from a population perspective, Jerusalem is a red line. Sorry. And uske wajah se, I think ultimately ye backfire honga. For example, Saudis were getting so close with Israel openly. They've been very close for a long time anyway, but they were becoming so close openly. Turkey, for example, has got very high economic relationships and everything else. Magar at least on a public stance perspective, both of them had to back off in support of this. And you saw that in the UN vote in the General Assembly. Even India, which was very close to this, but they ended up needing, because the population itself, I mean, aap dekh rahe ke Malaysia ke log aisa, magar the sad part is that the Islamic countries are neither united nor do they have the leadership. Because Turkey, on one hand, baat karta hai, you know, all that stuff, and then they had millions of people on the streets. Magar, in the same week, they were having economic relationships and deals and trades with Israel. So what does that mean? Ke, you know, you're doing all this, you know, public stance, but in reality, you're not doing it. If all the Muslim countries had removed all their ambassadors from Washington DC, just call them for consultation, they didn't have to do anything. If they had called, that would have been a much bigger stance. So, I think we have another one. Caller line one. Ji, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mehdi bhai, kaise hain aap? Ji, farmaiye. जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलते रहिए. उनका हक को देना नहीं मिल सके यमन में और
जी शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब. ये उनका क्वेश्चन ये था कि जो अभी एक सीन यू क्रिएट किया गया था जमहूरिया ईरान के अंदर कि वहाँ पे लोगों को सड़कों पे निकाला गया और उसको फिर शिकस्त हुई और उसके बाद अगले दिन मिलियंस ऑफ पीपल केम ऑन द स्ट्रीट टू शो द लाइक यकजहती एंड उसके बाद वो कह रहे कि इसका असर जो है यमन में और बहरीन में नज़र आएगा जिस तरीके से लाइक यू नो मुखालफ कुवतों को जिस तरह से शिकस्त हुई है. इसका अगर आप पस मंज़र देखें तो यू हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट. जी मेरे हिसाब से ये काफ़ी अरसे से दे हैव बीन ट्राइंग ओके फॉर 35+ ईयर्स हर किस्म के सैंक्शंस किए हैं. जी अगर आप उनके मिलिट्री बेसिस देख लें तो ये 42 मिलिट्री बेसिस अराउंड द कंट्री. अफगानिस्तान वॉर में फेल हो गए, पाकिस्तान में करना चाहे फेल हो गए, सीरिया में दे डिड दिस प्रॉक्सी वॉर ट्राई किए वो भी फेल हो गए. 2009 में ट्राई किए एंड दे वे इन अ वे टू अ सर्टेन एक्सटेंट सक्सेसफुल इन दैट. मगर इवन दिस स्मॉल स्टफ दे हैव नॉट बीन एबल टू चेंज टू मच. मगर ऑन द अदर हैंड वन हैज़ टू बी फेयर एंड ऑल्सो लुक एट द इंटरनल इश्यूज यू नो विद इन जमहूरी इस्लाम. दो जो इनिशियल लॉ पास करना चाह रहे थे वो लोग जी रूहानी गवर्नमेंट जिसमें द ऑयल यू नो प्राइसेस द गैस प्राइसेस एंड ऑल दैट वुड हैव बीन गॉन 50% मोर. जी और जो मुस्तज़फीन को दो सब्सिडी देना चाह रहे थे वो बंद करने वाले थे. सो वन कैन नॉट टोटली डिनाई के बींग एन इस्लामिक डेमोक्रेसी दैट देर इज़ नो डिसेंट. देर इज़ डिसेंट विद इन द कंट्री एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑफ यू नो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी प्रोसेस. The Russian ambassador said it very beautifully in the United Nations mein, ke why are you bringing this? If that's the case, why didn't you know you bring in the Black Lives Matter movement in Ferguson? You know, so but that doesn't mean ke the system itself ko dhakka hai, you know, in you know. ख्यालों में होंगे इनको. दे इट्स नॉट लाइक 1953 में दे हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल. बट आई थिंक देर आर सम इंटरनल डायनामिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स क्योंकि इनको रूहानी गवर्नमेंट एंड दैट सब एंड रहबर शुरू से बोल रहे थे कि यू नो दिस मे मे नॉट इट इज नॉट गोना रियली वर्क दे नॉट चेंज. मगर दे वेंट थ्रू दैट प्रोसेस दे वेंट थ्रू द होल न्यूक्लियर डील एंड देन दे गॉट अ स्टैब इन द बैक क्योंकि इवन ओबामा डिडंट रियली फॉलो अप विद एवरीथिंग. द इकोनॉमिक सैंक्शंस वर नेवर टोटली रिमूव्ड. इवन यूरोप व्हेन दे ट्राइड टू डू थिंग्स दे कैन नॉट यू नो डू इट. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे रिनेक्ट बट दे आर गेटिंग अ बैक lash from Europe. Europe does not want to create this as a problem. And if you see the statements in the last week from France, England, Russia, China, all are not in favor of making this an issue. You know, so again, the current US government's foreign policy in this respect has again failed, you know, on the world stage, which is sad. You know, in the world, they could dictate things and all that from but from a pure, you know, US perspective, they've again failed in this. We have a 15 more minutes, and I'd like to talk about the little bit about the social media because you, mashallah, are very active on the social media all the time, and I think you are the perfect person to ask this: how somebody should react on social media on any kind of like issues, especially like you know, which are relating your religion, relating the politics worldwide. In a way, I call it this surat kitab clicktivism.
या वॉट एवर आप यू नो क्लिकटिविज्म व्हाट्सएप हो या यू नो अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम अ प्योरली नेगेटिव परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली इज नथिंग बट आई मीन यू हैव सीन रीसेंट रिपोर्ट्स इंटरसेप्ट एट अ वेरी गुड आर्टिकल on the role of Facebook, for example, and how they were influenced by both US and Israeli governments. Mm-hmm. So yes, you know, you have some avenues, but they are restricting things related, you know, to, for example, Palestine and for other things. So it's not totally free as we think it is. But we need to have a voice. We need to have a say. And all those fake news, I mean, just have, you know, the election mein jo, people are buying stuff and then doing all these types of accounts. But they are influencing. And unfortunately, the Islamic voice is not there. There are a lot of people who do not know how to interact with somebody else in a nice way on social media. Our children should go into journalism. They should be going into, I mean, aap haali mein dekhe, you know, how beautifully, for example, Zahra Haider from Manana Shamshad ki jo beti hai, now this may, the way she did it for Palestine when the Jerusalem issue came up. So we need children, I mean, I should not say children, our youth. Get involved in other avenues other than being a doctor or a surgeon or, I mean, a doctor or a lawyer or engineer, your typical professions that we have. As a community, we need to look into things that are going to help in the future. You know, our generation is not going to be here forever. But social media has a very important role nowadays, and if you're not doing it, whether it's in your own business or, I mean, for example, aap mashallah har jagah jaate hain apna, you know, Facebook live dal lete hain, magar, you know, if you look at Twitter, for example, I'll give you an example. When the three teenagers were murdered in Charleston, was it Charleston, right? This was not reported by the mainstream media, but when the Twitter storm of those three, kuch naam rakhe the wo log aapka, I am forgetting the name of it, whatever the Twitter feed was, when the Twitter storm occurred, ek time aata Twitter mein ke if you become the top 10, mm-hmm, the media has to report it. Report it. So when it became the top 10, that's when all these things, you know, got reported. How many of us have Twitter accounts? How many of us have, you know, this is, media today is live. You know, people just throw in live and things are happening. And if the message is created that every Muslim is a terrorist, wo chapa pad jata, you know, and then they keep on doing it. And they don't see the positive examples that Muslims are doing in this country. See, that's where I was coming to. Positively, jo isko main use karna bhi jo hai na, wo, it's an art. Yeah, exactly. Because a lot of people, main kehta hai ki ek misal hai, jaise hamare Urdu zaman mein ki, like, you know, ki nadan dost se chalak dushman jo hai wo behtar hai. Ki jaise hamare nadan dost jo hai kuch hai, wo is kisam ki cheeze सोशल मीडिया पे बैठ के डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई तल्लुक ही नहीं, होता नहीं। और वो ये नहीं चीजें आपको घर में बैठ के, जैसे हम घर की बातें अपने सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करते, राइट? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बैठ के उसको डिस्कस करना चाहिए. सोशल मीडिया इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी घर की बातें डिस्कस नहीं करते. लाइक, यू नो, डू वी डू दैट? नो, राइट? कि वो हमें घर में बैठ के डिस्कस करते हैं. वो भी कर ले रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो आप बेगम को लेके जाते हैं रेस्टोरेंट को, तो चॉकलेट केक बताते हैं कि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए. Exactly. मैं बेगम को आज वैलेंटाइंस के लिए चॉकलेट केक खिला रहा हूँ. फ्रॉम अ सेल्फी टाइप ऑफ थिंग इज हैपनिंग, बट यू राइट, आई मीन यू डोंट, यू नो, यू डोंट डिस्कस थिंग्स. नहीं, यहाँ आसिम की मुराद ये थी कि अगर हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जी बिल्कुल, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते पूरी दुनिया में. तो
क्या वजह है कि कुछ लोग हमारी कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं, आई थिंक इट्स पार्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो साइकोलॉजी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक तरीका है लोगों की अटेंशन लेने का, सिर्फ ये मकसद उनका होता है, ना वो आलिम है ना फाजिल है। मैं तो एक साहब को ब्लॉक कर दिया हूं क्योंकि वो यू नो मेरा उनकी आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद, दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इज आई थिंक बेस्ट वे इज समटाइम्स जस्ट इग्नोर इट, एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक इज लाइक दे आर क्राइंग फॉर अटेंशन, इफ यू गिव देम अटेंशन देन देन इट्स लाइक यू नो यू यू और आप उसको बढ़ा रहे हैं। वो मैं तो टर्म यूज करता हूं वो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, जी जी एक डिजीज है एक्चुअली, इट इज ए ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, मतलब वो आदमी शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता, यानी उसको कंपल्शन हो रही है। इनफैक्ट ये डायग्नोस हुआ है मेंटल डिसऑर्डर्स में आजकल, डिसऑर्डर में ये आप जो यू नो सेल्फी ले रहे हैं या सेल्फी ले रहे हैं या आप ज्यादा मतलब कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, गेम्स पे लगे हुए हैं, वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मतलब आप लोगों को एक किसी जानवर से तशबीह दे रहे हैं, क्या मकसद है आपका, या आप आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप किसी मुश्तहिद को या मराजे को आप इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, या तो आप उसके लेवल पे आ जाइए, जाएं आप 35-40 साल आप लगाइए और मराजे बनिए, मुश्तहिद बनिए, फिर आप डिस्कस कीजिए उनके साथ बैठ के। सही, मैं किसी को चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि आपने ये फतवा जो दिया है क्यों दिया, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं है। वो दूसरी बात भी ये है कि हम मज़हब पे हर कस्म से गुफ्तगू कर लेते हैं जी, अगर आप कोई डॉक्टर के पास गए तो आप देखते हैं कि बोर्ड सर्टिफाइड है नहीं है, आप कार मैकेनिक के पास भी जाते हैं तो उसकी बात देखते हैं कि आप उन्हें है मैकेनिक का है उसके पास या नहीं है, मगर मज़हब ये है कि आप बेचारा वो बेचारा बहुत कोई मज़लूम कि वो हर बस बात ये होगी कि कि लोगों ने खुद साख्ता सर्टिफिकेशन बना ली अपनी और वो सर्टिफिकेट्स आप बल्कि अपनी बना के दूसरों को बांट रहे हैं कि लाइक वी हैव अ राइट टू से व्हाट एवर वी वांट टू, और अब लोग अब ये इस चीज़ का रियलाइज करना है कि व्हाट वी हैव टू टेक इट एंड हु फ्रॉम हुम, यानी कि वी शुड टेक इट, वी आल्सो आल्सो नीड टू सी वेयर द सोर्स इज, एग्जैक्टली, इफ यू आर, क्योंकि बहुत सारी बातें तो झूठ पे बनी होती है, इफ यू आर शेयरिंग ए न्यूज़ आइटम सोर्स है ही नहीं कोई, यू आल्सो हैव टू और या एटलीस्ट आप उसमें तवज्जो अपना तबसरा देके पसंद ना पसंद के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक आपको पसंद नहीं है, नहीं आपको ना पसंद है या उसके ऊपर आपने एक बुरा एक फैक्ट उसको फैक्ट बात बता के आप पेश कर रहे हैं जो कि लॉट ऑफ पीपल कैन गेट कंफ्यूज फ्रॉम दैट और पीपल डज गेट कंफ्यूज फ्रॉम दैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आती हैं कि लोग जस्ट डाली जा रहे हैं लिखी जा रहे हैं जिसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता, कन्फ्यूजन पैदा करता है, एनालिसिस नहीं है आजकल और डेप्थ नहीं है जी, जी जो एक किस्म का आपको एक पोलिटिकल एक्यूमन जो बोलते ना आप जी, एक आपको एक अगर वो नहीं रहा तो आप डेप्थ में देखते हैं, यू जस्ट सी अच्छा सुपरफिशियल लेवल एंड देन मूव ऑन, आपको भी शायद अंदाजा होगा और टॉप ऑफ दैट अगर किसी ऐसे साहब से आप उनको बोलो आप उनसे उनकी पोस्ट के ऊपर जाके आप डिसएग्री करो, इट्स नॉट अलाउड जी, यू कैन नॉट डिसएग्री, एक्सेप्टेबल नहीं, हां एक्सेप्टेबल नहीं, यू कैन नॉट डिसएग्री बिकॉज़ दे डोंट वांट टू हैव अ डिबेट, एग्जैक्टली, दे जस्ट वांट लाइक यू नो देन आई मीन व्हाई आर यू लाइक यू नो putting something on there if you don't want like you know hear somebody else's story. सबसे best वो जो आपने फरमाया कि ignore करें completely ignore करें. I think that's I mean for those who are just trying to instigate something, you know you don't want to be part of the fitna. Potential लेना चाहते हैं. Potential लेना चाहते हैं. But I think you also have an you cannot deny the fact that there is a role for social media in this day and age. Definitely. I mean, we do use it positively. Like, you know, you have to use it positive. Exactly. You know? And that's what I'm saying. Yeah, Ayatul Kursi ke waisa hai, you know, zulmat se noor mein ja rahe hain, baad log noor se zulmat mein chale ja rahe hain. Dekhiye, main jo social media use karta hu, main I use it to spread the message. Ji. Which is a positive message. Right. And like, you know, wo message jo ke hame ho sakta hai yahan pe nazar nahi aata ho, hum apne behan bhaiyon ko. There are more positive things happening. That, and if you keep on having all the negative stuff also, it's not good either. Exactly. So, like, I always like to read your post because I know that बहुत सारी चीजें आप जो share करते हो, जो आप डालते हो, they are like positive and they are like useful. And इसी तरह कुछ limited लोग हैं जो इस तरह की अभी चीजें करते हैं कि बजाय इसके कि वो आप अब उनका दिन बुरा गुजरा है तो उन्होंने उसी हिसाब से लिखना शुरू कर दिया है, अब उनका दिन अच्छा गुजरा है तो उन्होंने बहुत ज्यादा
ऐसी चीजें लिखनी शुरू कर दी कि जो कि सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालनी चाहिए. सो अभी वो अपने मूड के हिसाब से वो चीजें लिखना शुरू कर देते हैं. आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपने मूड को जो है अपने पास रखें, और जो सोशल मीडिया पे आप जो भी बंदा शेयर कर रहा है, जो भी लिख रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको शेयर करना चाहिए. कि उसके अंदर लाइक यू नो आपकी छोटी सी गलत फहमी जो आप डालेंगे लोगों के दिमागों के अंदर, वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है. उसके अंदर आपस में तफरके पैदा होंगे, आपकी डिसयूनिटी पैदा होगी, और फिर उसके बाद ये कह देना कि लाइक यू नो नहीं, हम तो जो है बुराइयाँ जो है उनको आप पिन पॉइंट करें. नहीं, वो ऐसा नहीं है. अगर वो आपकी नज़र में बुराई है, हो सकता है 100 लोगों की नज़र में ना हो, सही, तो आपको अगर लगता है कि किसी कोई बंदा वाकई उस बुराई के अंदर है, वो बुराई है, तो आप उस बंदे को जाके पर्सनली जाके उससे डिस्कस करें, ना कि जो कि लोग उस चीज के अंदर मुब्तला नहीं है, आप उनको यानी कि उनके साथ जो है खाम खा की जो है आर्ग्यूमेंट करने शुरू कर दें. So I think is I think enough talked about this. So we're gonna wrap it up, and at the end I would like to closing remarks from you. Aaj ke program ke hawale se, in general, Vlad TV USA, bhi aap pehli dafa aaye. Alhamdulillah, you know, I've seen this and I've followed it. Magar again, I would like to thank both of you. Aap mujhe mauka diye aane ka, aur I hope ke aapke audience bhi kuch fayda uthaye. But I can just pitch in ke before a code blue happens again. Try to listen to Code Blue every Saturday morning, 10 a.m. to 12 noon on 106.1 FM Houston. And if there's anybody above the age of 50, and even I don't want to ask your ages, but if somebody above 50, both men and women, agar wo apni colonoscopy nahi kiye hain, to please get it done, as well as mammograms, and get your, you know, blood pressure and diabetes and checkup. Prevention is the key, and these kinds of shows, you know, help spread that message. So I'm really grateful ki aap mashallah itna acha TV program chalate hain, aur jadoo TV pe jadoo laga de hain. Ji bilkul, jadoo TV pe jadoo. Aur I mean, people can watch it on their phones as well, just like aapne dekha hoga main yahan pe watch kar raha tha jo live stream ja rahi thi, ke you can download the app and also you can watch on Shawa TV and also on the website as well. Mashallah, we used to be on the satellite, magar we realized ke a lot of people were not watching us on satellite, and there was a big charge for that every month. So we're trying to save more that money. Exactly. On the app. App is what? Naam kya hai? App, Vlad TV USA. Yeah, Vlad TV USA. Okay. And a lot of people, you know, if you have your own phone, you can put it on your TV. Yes. Like, you know, you can mirror your phone. App pe bilkul yahi monogram jo hai na. Ji. Exactly. Vlad TV USA ka. Aur I mean, a lot of people can just like, you know, mirror the phone with the TV. And like, you know, you don't even need जादू और एनी अदर डिवाइस. माशाल्लाह, अरबाइन भी कवर की है जी. अरबाइन के अंदर भी अभी, बल्कि दो दिन पहले जो है एक प्रोग्राम हमने कॉन्फ्रेंस की थी इमाम हुसैन के हरम के अंदर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर, जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी इस दफ़ा, और उसके अंदर भी माशाल्लाह काफ़ी 4-5 घंटे का प्रोग्राम था. वो पूरा 21 सफ़र को जो वो प्रोग्राम होता है वहाँ पर, और उसके अंदर माशाल्लाह यहाँ से ह्यूस्टन से भी हमारी एक गेस्ट थी वहाँ पे, स्पीकर थी सिस्टर हुमा जाफरी, शी स्पोक इन दैट, मौलाना सैयद जहीर हसन नकवी साहब उसके अंदर उन्होंने स्पीच दी, फिर फरहान अली वारिस थे उसके अंदर, एंड उसके अलावा वहाँ के इराकी जो काफ़ी जो गवर्नमेंट के जो वजीर वगैरह जो थे वो वहाँ पे मेहमान खसूसी थे. सो देट वॉज वन गुड प्रोग्राम. उसके अंदर वर्ल्ड वाइड बेसिकली वी ट्राई टू कवर द स्पीचेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. माशाल्लाह, वो दैट्स गोइंग टू हैपन एवरी ईयर इंशाल्लाह. उसके अलावा भी मजालस का सिलसिला भी होता है वहाँ पे, उसके अलावा काफ़ी सारे और प्रोग्राम, मौलाना सैयद जहीर हसन नकवी साहब जो है मौकब भी वहाँ पे उन्होंने शुरू किया है, और करबला के अंदर भी और रास्ते में भी एक मौकब जो है, दो मौकब जो थे इस दफ़ा भी थे वहाँ पे. तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. एंड एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो है मौलाना साहब जो शुरू कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया था उसका, आई एम गोना रिपीट इट अगेन, कि एक वहाँ पे कह लें कि एक होटल जो बनाया जा रहा है तकरीबन 500 से 1000 जो ज़ायरीन के लिए, और वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस के ऊपर लोग जो है उसके अंदर ठहर सकेंगे इंशाल्लाह. उसकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो इन द पाइपलाइन है, और इंशाल्लाह अगर लोगों की दुआएं रहीं तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो कि इंशाल्लाह मौलाना सैयद ज़हीरुल हसन नकवी साहब जो है उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा. तो आई थिंक वी हैव कॉल ले लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
जी जी हमारे साथ मौजूद है अभी भी। आप कहाँ से हो, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिशिगन से बोल रही हूँ। ओह माशाल्लाह जी। जी जरूर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगी? जी नहीं कुछ नहीं, मेरा आप, सलाम कहिएगा। जी, जी आप ज़ैनबिया सेंटर याद दिला दिए, सबको सलाम बोलिए। हाँ। आपका नाम नहीं सब सुना? मेरा नाम सकीना। जी सकीना, शुक्रिया। नबील की जी माशाल्लाह जी, सलाम बोलिए मसूद भाई। थैंक यू। और मेरी तरफ से सबको सलाम, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। मशीन बहुत अच्छी कर रही है, लोग अंडरस्टैंड करें, इतना ज्यादा एक्सपोज करते हैं जी सब सोशल मीडिया पे। बहुत शुक्रिया, दिस इज नॉट गुड, यू नो। सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलाम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आज सबको मेरी तरफ से बहुत इतनी खुशी हो रही है देख के जी। इंशाल्लाह जी। हां, थैंक यू फॉर योर कॉल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आसिम नकवी को इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।